जाता है वो किसका पूजन करता है? दुर्गा का। तो धन के, धन में कोई कितना भी बड़ा हो लेकिन धन के लिए किसको पूजा जाता है? लक्ष्मी। वंदे मातरम कहा जाता है। तो ये भारत माता, आज इस भारत देश में हम बैठे हैं और ये जो भारत माता कहा गया है, माना हमें अपने मातृत्व की भावना से, मदर टेरेसा का कोई बच्चा नहीं था लेकिन मदर टेरेसा सबकी माँ थी। क्या कहा जाता था उनको? मदर। महात्मा गांधी सभी के पिता, राष्ट्रपिता कहलाए। तो कहने का अर्थ ये है कि वो जो मातृत्व हमें सबको देना है, चाहे वो कोई भी हो, उस भावना से हमें आगे बढ़ना है। और लास्ट में यही कहेंगे, सभी बोलेंगे, एक विदुषी नारी तो मुर्दों को जिला सकती है, उंगली से हिमालय को हिला सकती है। ये देश वो देश है जहाँ नारी माँ बनकर भगवान को भी गोदी में खिला सकती है। दुनिया अगर एक गुलशन है तो नारी उसकी माली है। वो झुक जाए तो सीता है, अड़ जाए तो चंडी काली है। कहते हैं अगर अपनी स्थिति को देखते हुए टूटने लगे अगर हौसला, तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिलों को, हम जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो ऐसे भावनाओं को रखते हुए हमें अपने जीवन में अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी यही दिशा देनी है कि हमें अपने विचारों के स्तर को ऊंचा रख करके अपने स्तर को ऊंचा बनाना है। और आध्यात्मिकता ही एक ऐसी कड़ी है जो अगर हमारे जीवन में जुड़ जाती है तो सच्चे अर्थों में हमें सशक्त बना सकती है, निर्भय निर्भीक बना सकती है। तो नी के साथ दो लाइनें आप सभी गाएंगे। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, नारी तू है गौरव का था। नारी तू है जग की माता, नारी तू है गौरव।